अब बीम को करते हैं ड्रॉ। सबसे पहले जो टोटल लेंथ थी 3.9 मीटर थी, उसको स्केल में कन्वर्ट करके बाई 100 कर लेते हैं। आप जो भी स्केल होगे उसके अकॉर्डिंग एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद साइज पता है कि अगर बीम जो है वो किस पे सपोर्टेड हुई, हमारी एक वॉल पे होती है, तो वॉल की जो स्टैंडर्ड थिकनेस होती है 300 mm होती है, हम ये मान के चलते हैं। तो एक नीचे से पहले वॉल बना लेंगे, ये इतना जितनी थिकनेस है, ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं हम बियरिंग, यानी कितनी वो अंदर जा रही है इसके वॉल के अंदर, वो कितनी है, कितनी सपोर्ट पे है, कितना सपोर्ट उसको मिल रहा है, उसको बोलते हैं बियरिंग। नहीं दिया है कोई बात नहीं, हम एक एज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो नहीं दिया तो इसने क्लियर दे रखा है कि हमारा इफेक्टिव स्पैन क्या है। इफेक्टिव स्पैन हमारा वो होता है इफेक्टिव, जितनी हमारी टोटल बीम होती है, जिस वो होता है इफेक्टिव स्पैन। टोटल लेंथ जो होती है इंक्लूडिंग वॉल, वो हमारा होता है टोटल लेंथ। इफेक्टिव हमारा स्पैन जो होता है वो हमारा आता है टोटल बीम की, जो जिसमें हमारी वॉल भी कन्वर्ट है, जितनी हमारी जितनी वॉल पे वो सपोर्ट है, सपोर्ट प्लस टोटल बीम, उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। और जनरली क्लियर स्पैन क्या होता है, जो क्लियर स्पैन होता है, यानी कि क्लियर एज टू एज वॉल थिकनेस को हटा के जो हमारे होता है वो हमारा होता है क्लियर स्पैन, ठीक है। तो ये क्लियर होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, वही हमारी जितनी डेप्थ होती हमारी वहाँ दी थी 250 दी थी जनरली, तो जितनी हमारी डेप्थ थी उतना हमने वो ड्रॉ किया पूरा। और फिर हम एक कवर छोड़ के, कवर ठीक है, कंक्रीट कवर बोलते हैं जनरली, कवर जनरली बीम में 20 से 25 लेते हैं हम, तो 25 mm का ऊपर छोड़ा, 25 mm के नीचे हमने बार डाल दी, ठीक है। तो ये जो हमारी है ऊपर वाली जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा एंकर बार है, जनरली एंकर लटकन छड़े या एंकर बार इनको बोलते हैं। ये हमारी मेन रीइंफोर्समेंट नहीं है, मेन रीइंफोर्समेंट हमारी है नीचे जो 5 बार हैं, कितने mm डाया की हैं, वो हमारी 5 बार थी, 12 mm डाया की थी, ठीक है, 12 mm डाया की थी 5 बार। और एक ये बेंट अप बार, हमने 2 बेंट अप बार डाली हुई है। बेंट अप बार जनरली हम शियर इन्फोर्समेंट से बचाते हैं, शियर क्रैकिंग से सपोर्ट पे बेंट अप बार डाल देते हैं, जो एक एंगल पे बार मुड़ी होती है, बेंट अप बार उनको बोलते हैं, ठीक है। मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, 5 बार डाली 12 mm की, और एंकर बार भी डाल दिया हमने 2 बार 10 mm की डाल दिए हैं, कवर दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया, नीचे भी कवर होगा तो नहीं, ऊपर भी कंक्रीट कवर होगा हमारा 25 mm का। उसके बाद बात आती है ये वर्टिकल जो है हमारा, हॉरिजॉन्टल हमने प्रोवाइड कर दिया, जो वर्टिकल जो रीइंफोर्समेंट है इसको जनरली बोलते हैं हम स्टीरअप्स, स्टीरअप्स जनरली इसको बोलेंगे हम स्टीरअप्स। तो ये हमारा प्रोवाइड करता है शियर बस्टिंग से, इसको शियर से बचाता है जनरली। तो हमने तुमने देखा होगा छल्ले डले होते हैं बीम में, वो होता है ये स्टीरअप्स, तो स्टीरअप्स है। और इसकी एक वो भी दे रखी होगी कि कितनी स्पेसिंग पर ये देना है, केवन देता है कि कितनी स्पेसिंग पर हम स्टीरअप्स इसको दे रहे हैं। तो 6 mm की दो हम ये स्टीरअप्स देंगे, 220 mm, यानी जो ये हमारी डिस्टेंस होगी 220 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये है सिंगली रीइंफोर्स बीम है हमारी, और सिंपली सपोर्टेड ही है, मेन रीइंफोर्समेंट नीचे है, ठीक है।